हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एक सिविल मुकदमे को दायर करने के लिए, एक सिविल मुकदमे को न्यायालय में ले जाने के लिए आपको चाहिए एक प्लेंट। ये हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, किस तरह से मुकदमा न्यायालय में ले जाया जाता है, ये आदेश 4 और आपकी धारा 26 में हमने पढ़ा था। आज उसी प्लेंट के सेकेंड पार्ट का ये वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में से भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 में दिया गया है। ये वाद पत्र को लेकर हमारा दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। रूल 1 से रूल 8 तक हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, जो प्लेंट होता है ये वाद पत्र है, ये एक एप्लीकेशन है जो किसी प्लेंटिफ के द्वारा न्यायालय में दी जाती है, जिसमें वो क्या क्या लिखता है। देखिए, टाइटल ऑफ द सूट, बॉडी ऑफ द प्लेंट एंड रिलीफ आस्क। बॉडी ऑफ प्लेंट में फैक्ट लिखे जाते हैं कि क्या क्या आप कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे लिखा जाता है। ये आपका प्लेंट होता है, इसे हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। और प्लेंट की आवश्यकता कहाँ होती है, ये आपको आदेश 4 और धारा 26 में बताया गया है कि जब कोई मुकदमा न्यायालय में आप दाखिल करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आपको प्लेंट की आवश्यकता होती है। ऑर्डर 7 प्लेंट, जैसा हम बात कर चुके हैं, इसमें टोटल रूल 1 से रूल 17 तक दिए गए हैं। 18 रूल थे लेकिन 18 को रिपील कर दिया गया था। देखिए, हमने प्लेंट को कुछ डिवाइड किया था पार्ट्स में, पर्टिकुलर्स इन द प्लेंट, प्रोसीजर ऑन प्लेंट बीइंग एडमिट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्लेंट के आदेश को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये अलग अलग 5 तरह के भागों में आप इसे विभाजित कर सकते हैं। जो आपका पर्टिकुलर से रूल 1 से रूल 8 तक है, प्रोसीजर ऑन प्लेंट बीइंग एडमिटेड, क्या प्रोसीजर रहेगा जब आपके प्लेंट को एडमिट कर लिया जाएगा, यानी आपको विद इन 7 डेज क्या देना होता है, जितने आपके डिफेंडेंट हैं उतनी प्लेंट की कॉपी देनी होती है, सो दैट कि समन इशू किए जा सकें डिफेंडेंट्स को। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है कि जब प्लेंट गलत आ जाता है, गलत न्यायालय में चला जाता है, तो वहाँ पे रूल 10 उसकी बात करता है कि प्लेंट को आपको रिटर्न कर दिया जाता है, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस इन ए प्रॉपर कोर्ट। आपका प्लेंट किसी लॉ की वजह से उस सूट को बार करता है, आपका वो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है उसमें, या कई सारे रीजन से कि जब प्लेंट रिजेक्ट कब हो सकता है। और हम बात कर चुके हैं डिक्री में, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि प्लेन टू यानी वाद पत्र के साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ये रूल 14 से रूल 17 में बताया गया है। रूल 1 से लेके रूल 9 तक हम पहली क्लास में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे रूल 10 से लेके रूल 17 तक, यानी कि रिटर्न ऑफ प्लेन, रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूल 10 यहाँ पे क्या कहता है आपका, रिटर्न ऑफ प्लेन। सबसे पहली बात आती है, जब न्यायालय में आप प्लेंट लेकर जाते हैं मुकदमा करने के लिए, तो न्यायालय उसको वापस कर सकता है आपको। अगर न्यायालय को किसी भी स्टेज में, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये लगता है कि उसका उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, या कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकता है, तो वो आपके प्लेंट को रिटर्न कर सकता है टू प्रेजेंट इन अ प्रॉपर कोर्ट, कि आप किसी उचित न्यायालय में अपने मुकदमे को दाखिल कर सकें। सीपीसी में यह प्रोविजन कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, रूल 10A क्या है इसकी भी हम बात करेंगे, 10A के प्रोविजंस को देखते हुए, प्लेंट सेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। रूल 10A में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए न्यायालय सूट की किसी भी स्टेज पर प्लेंट को रिटर्न कर सकता है प्लेंटिफ को, सो दैट उसे प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके। देखिए, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट एक एक्सप्लेनेशन दिया है सीपीसी में यहाँ पे, कि इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट अ कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन मे डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री पास्ड इन अ सूट द रिटर्न ऑफ प्लेंट अंडर दिस सब रूल। अगर किसी डिक्री को सेट असाइड कर देता है कोई अपीलेट कोर्ट, या रिवीजन में उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ये आदेश दिया जा सकता है सब रूल में, यानी कि रूल 10 सब रूल 1 में, कि प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाए टू प्रेजेंट इन अ प्रॉपर कोर्ट।
यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है रूल 10 सब रूल 2 में कि प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज सेल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। उस जिस दिन वो प्रेजेंट किया गया उस दिन की डेट और जिस दिन रिटर्न किया गया, दोनों डेट उस पर जज साहब मेंशन करेंगे। पार्टी का नाम मेंशन किया जाएगा कि जिसने वो प्लेंट न्यायालय में प्रस्तुत किया था, और इसका एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी लिखा जाएगा, एक कारण लिखा जाएगा कि रीजन क्या था, क्यों न्यायालय इसको रिटर्न कर रहा है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखने की है। फिर रीजन फॉर रिटर्निंग इट वहां पे मेंशन करेंगे, कौन करेंगे, हमारे जज साहब मेंशन करेंगे। तो ये आपका रूल 10 हो गया। अभी देखिए, रूल 10 ए की हम बात कर रहे थे कि 10 में हमने बात किया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 10 ए। 10 ए क्या है? ये कोर्ट की एक पावर है जिससे कि कोर्ट क्या कर सकता है, डेट फिक्स कर सकता है अपीयरेंस के लिए। अब मान लीजिए आप मुकदमा लेकर आए कोर्ट ए में, कोई एक सिटी है ए, वहाँ के न्यायालय में, वो जो न्यायालय है कोर्ट ए है आपका, वहाँ पे आप सूट लेकर आए और इसने आपका प्लेंट रिटर्न कर दिया। आप ये आपने बोला कि आप इस प्लेंट को लेके कोर्ट बी में जाइए, तो यही कोर्ट, इसी कोर्ट की पावर है कि ये इस कोर्ट में अपीयरेंस के लिए एक क्या कर सकता है, डेट फिक्स कर सकता है अपीयरेंस की, कोर्ट बी में। रूल 10 ए किसकी बात कर रहा था? पावर ऑफ कोर्ट की। किस किस क्या पावर है यहाँ पे कोर्ट की? न्यायालय का वो अधिकार है यहाँ पे जिससे कि वो किसी दूसरे न्यायालय में, जहाँ पे आपका प्लेंट एक्चुअल में जाना चाहिए, उस प्रॉपर कोर्ट में आपके अपीयरेंस की डेट फिक्स कर सकता है। बेर एक्ट को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। वेयर इन एनी सूट आफ्टर डिफेंडेंट हैज अपियर, जब डिफेंडेंट अपियर हो जाता है और कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, जहाँ न्यायालय का ये विचार होता है कि जो प्लेंट है इट शुड बी रिटर्न, प्लेंट जो है वापस कर देना चाहिए, एंड इट सेल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंट को लाने वाला कौन है, प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ को एक इंटीमेशन दिया जाता है कि न्यायालय आपका भी प्लेंट रिटर्न कर रहा है। द प्लेंटिफ मे मेक एन एप्लीकेशन। देखिए, जब रिटर्न हो जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है कि प्लेंटिफ का क्या काम रहेगा, और एक आता है कोर्ट का क्या काम रहेगा। प्लेंटिफ का जो काम रहेगा वो बात करता है रूल 10 ए का सब रूल 2, यानी कि प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट के अंदर। किस चीज़ के लिए? वो कह सकता है कि जी, जिस कोर्ट में मैं प्लेंट को ले जाना चाहिए, मुझे जो मेरा प्रॉपर कोर्ट है उसको वो स्पेसिफाई कर देगा उस एप्लीकेशन में, बताएगा। और फिर क्या करेगा, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक डेट फिक्स कर दी जाए अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के लिए इन दिस सेड कोर्ट। भाई, जिस कोर्ट का प्रपोजल दिया गया है, जो कोर्ट उसने प्रपोज किया अपने प्लेंट को, आफ्टर इट्स रिटर्न, रिटर्न होने के बाद जहाँ अपना प्लेंट ले जाएगा, उस कोर्ट को स्पेसिफाई कर दिया जाए, उस कोर्ट में एक डेट फिक्स कर दी जाए। और डेट फिक्स होगी तो भी पता कैसे लगेगा कि लोगों को आना है, तो उस चीज़ के लिए एक नोटिस दे दिया जाए, किसको, खुद उसको भी और डिफेंडेंट को भी। यानी कि आपका प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए, बताएगा जिस न्यायालय में जाना चाहता हूँ वहाँ मेरी एक डेट फिक्स कर दी जाए, और उस डेट के ऊपर एक नोटिस दे दिया जाए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को पहले ही कि आपकी ये तारीख सो एंड सो डेट उस कोर्ट में आपकी है और आपको वहाँ अपियर होना है। अब यह सब रूल 3 देखिए, यह कोर्ट का काम। अभी सब रूल 2 में हमने बात की थी किसके बारे में, प्लेंटिफ क्या करेगा, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट सेल जब एप्लीकेशन दे दी, प्लेंटिफ का काम था एक एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन आने के बाद किसका काम शुरू होता है, कोर्ट का। देखिए, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसको कन्फ्यूज़ होकर नहीं पढ़ना है। प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी, कोर्ट उसके बाद क्या करेगा, बिफोर रिटर्निंग द प्लेन क्या करेगा, वो एक डेट फिक्स कर देगा फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टी। किस कोर्ट में करेगा कि ये आपकी सो एंड सो डेट है, उस कोर्ट में आपको अपियर होना है। कौन से कोर्ट में? जहाँ प्लेंट प्रपोज्ड टू बी प्रेजेंटेड, जहाँ प्लेंट को दोबारा से प्रेजेंट करेंगे आफ्टर रिटर्न, ये प्लेंटिफ एप्लीकेशन में बता चुका है। दूसरा क्या है, इट गिव टू द प्लेंटिफ एंड टू द डिफेंडेंट नोटिस। नोटिस देगा, यानी कि जो काम उसको प्लेंटिफ ने अपनी एप्लीकेशन में बोले थे, ये वही काम करेगा। सब रूल 4 क्या कहेगा यहाँ पे, कि जहाँ पे कोई ऐसा नोटिस दिया जाता है फॉर द डेट ऑफ अपीयरेंस, वहाँ क्या होगा,
इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच प्लेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर इट्स। देखिए यहाँ दो चीज़ें, यहाँ पे आपने नोटिस उसको दे दिया, ठीक है, नोटिस चला गया हमारा यहाँ। तो जब नोटिस चला गया और डेट फिक्स हो गई है, तो नोटिस जाने के बाद जिस कोर्ट में, मान लीजिए कि कोर्ट ए ने प्लेंट रिटर्न किया था और फिर कोर्ट बी में वो प्लेंट दोबारा से प्रेजेंट होना था, बी में एक डेट फिक्स कर दी गई, नोटिस दे दिया गया। और जब नोटिस दे दिया गया तो नोटिस देने के बाद जिस कोर्ट में ये जाएगा उस कोर्ट के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ठीक है, जिसमें प्लेंट रिटर्न होने के बाद जाएगा, यानी कि हम बी कोर्ट की बात कर रहे हैं, कि वो डिफेंडेंट को कोई समन इशू करे अपीयरेंस के लिए। आपके आदेश 5 में आप क्या करते हैं, डिफेंडेंट टू समन, तो उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि ऑलरेडी उसको नोटिस दिया जा चुका है। अनलेस दैट कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट, या उस कोर्ट को जब तक नहीं लगता तो उसका रीज़न रिकॉर्ड करेगी तो ही देगी, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समन हम इसीलिए भेजते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है लैटिन मैक्सिम में ऑडी एल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है नो वन कैन बी कंडेम्ड विदाउट हर्ड, यानी कि किसी का पक्ष सुने बिना उसको आप उसके खिलाफ निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ऑलरेडी उसको हम यहाँ पे नोटिस तो न्यायालय दे चुका है पहले वाला कोर्ट, तो दोबारा देने की क्या ज़रूरत है, ये भी प्रैक्टिकल ही बात है। फिर इसका क्लोज बी क्या कहता है कि द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी अ समन फॉर द अपीयरेंस, उसको समन ही माना जाएगा, जो नोटिस आपने सब रूल 3 में दिया था उसको समन ही माना जाएगा डिफेंडेंट के अपियर होने के लिए। सब रूल 5 क्या कहता है यहाँ पे कि वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 इज अलाउड बाय द कोर्ट, जब एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने सब रूल 2 के हिसाब से दे दी और कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, और आपके सब रूल 3 में कोर्ट ने डेट दे दी, कोर्ट में नोटिस भी दे दिया, तो प्लेंटिव शैल नॉट बी इंटाइटल टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट। यहाँ की ध्यान देने की कि आपने जब एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी कि ठीक है जी मेरी डेट फिक्स कर दो, उसके बाद कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, फिर आप कोई अपील नहीं कर सकते क्योंकि आप तो ऑलरेडी भी उस चीज़ से एक्सेप्ट कर चुके हो रिटर्न ऑफ प्लेंट को, तो फिर अपील करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी हम बात करेंगे रूल 10B की, कि अपीलेट कोर्ट की क्या पावर है। हमने लास्ट में अपील की बात की, तो अपीलेट कोर्ट के यहाँ क्या पावर है कि वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट का आदेश किसी न्यायालय ने दिया और उसके खिलाफ में अपील की गई, द कोर्ट हियरिंग द अपील कन्फर्म सच ऑर्डर, द कोर्ट ऑफ अपील मे इफ द प्लेंटी बाय एन एप्लीकेशन सो डिजायर वाइल रिटर्निंग द प्लेंट डायरेक्ट प्लेंटिव टू फाइल द प्लेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन वैसा नहीं है। जब एक अपील की जाती है किस आदेश के खिलाफ, कि भाई रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, हमारा प्लेंट वापस कर रहा न्यायालय, हम अपीलेट कोर्ट में चले गए, तो जो कोर्ट हमारी अपील को सुन रहा है और वो इसको कन्फर्म कर देता है कि भाई आपका जो प्लेंट है वो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न नहीं होगा तो उसी कोर्ट में चलेगा, लेकिन उसने भी कंफर्म कर दिया है उस आदेश को कि हाँ रिटर्न होना चाहिए, जो कोर्ट ऑफ अपील है हमारा वो क्या करेगा, अगर प्लेंटिफ, या एक ध्यान दीजिए इफ लगा है यहाँ, इफ एक वर्ड यूज हुआ है, इफ द प्लेंटिफ बाई एन एप्लीकेशन सो डिजायर, अगर वादी अपने किसी प्रार्थना पत्र से ये चाहता है कि एप्लीकेशन के द्वारा ये डिजायर है उसका कि वाइल रिटर्निंग द प्लेंट डायरेक्ट प्लेंटिफ, तो जब प्लेंटिफ को क्या आदेश दे सकता है, लेकिन आदेश देने से पहले एक चीज़ ध्यान देगा यहाँ पे कि जो प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट के 1963 के उनको ध्यान में रखेगा। लिमिटेशन एक्ट के वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट है उसकी अलग से हमारे चैनल पर, आप उसको भी देखिए। लिमिटेशन एक्ट सभी एक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन ये सभी एक्ट में काम आता है। तो उसके प्रोविज को देखते हुए द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जिस न्यायालय में मुकदमा जाना चाहिए था, ये कौन सा कोर्ट है जिसमें मुकदमा जाना चाहिए था, आप जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखिए, वो कोर्ट है
जिसमें आपका मुकदमा जाना चाहिए। वेदर सच कोर्ट इज विद इन और विदाउट द स्टेट इन विच कोर्ट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील इज सिचुएटेड, यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस कोर्ट की हमने अभी बात की, जहाँ मुकदमा जाना चाहिए था, चाहे वो कोर्ट विद इन और विदाउट द स्टेट हो, यानी कि अपीलेट कोर्ट के स्टेट में हो या ना हो, वहाँ क्या करेगा, एक डेट फिक्स कर देगा वो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के लिए। यानी कि जो काम पहले पहले वाली कोर्ट कर रही थी, जिसमें जो आप कंप्लेंट रिटर्न कर रही थी, वही काम यहाँ पे आपका अपीलेट कोर्ट कर रहा है। इन विच द प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी फाइल्ड एंड व्हेन द डेट इज सो फिक्स्ड, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच प्लेंट इज फाइल्ड टू सर्व द डिफेंडेंट विद द समन। देखिए 10A और 10B में ज़्यादा फर्क नहीं है। 10A उस कोर्ट की पावर है जहाँ पे आप प्लेंट स्टार्टिंग में लेके गए, और 10B जो है ये उस कोर्ट की पावर है जो अपीलेट कोर्ट है, जहाँ आप उस पहले वाले कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट में अपील करेंगे। ऑब्वियसली आप तो उसके सुपीरियर कोर्ट में जहाँ आप अपील लेकर गए थे कि मुझे ये मेरा जो आदेश है न्यायालय का प्लेंट रिटर्न करने का, ये गलत है, और वो कोर्ट आपके उस आदेश को, न्यायालय के आदेश को कंफर्म कर देता है, ठीक ठहराता है कि वो उन्होंने सही किया है, तो फिर वो भी एक डेट फिक्स कर सकता है। अनलेस द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल्ड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज, देखिए सेम बात है भाई, इसको दोबारा से डिफेंडेंट को समन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी उसको नोटिस दे दिया जा चुका है। द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल वन, जो डायरेक्शन देगा न्यायालय अपने सब रूल वन के हिसाब से, दैट शैल बी विदाउट एनी प्रिजुडाइस टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू क्वेश्चन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच प्लेंट इज फाइल टू ट्राई द सूट। ये आपको मेरे ख्याल से रूल 10B आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 10A में आपके उस कोर्ट की पावर्स की बात करते हैं जिसमें प्लेंट आप पहली बार लेके गए थे, 10B में उसकी बात की गई है जिसका आपको अपीलेट कोर्ट जो है। बेरेट को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी हम बात करते हैं रिजेक्शन की। अभी तक आपका प्लेंट आपको रिटर्न किया जा रहा था, अभी है रिजेक्शन। हम सब सेक्शन टू में डिक्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और वहाँ हमने पढ़ा था कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ऑल्सो ए डिक्री। तो रिजेक्शन कब होगा, प्लेंट कब रिजेक्ट हो सकता है, देखिए हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो रूल 11 है आपका, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है, यानी कि प्लेंट आपका कब रिजेक्ट होगा, क्या क्या कंडीशन है आपकी। मान लीजिए वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है आपके प्लेंट में, सबसे पहला कारण तो यही है, मुकदमा ही नहीं बनता, रिजेक्ट कर देगा न्यायालय वहाँ पर। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, जो आपने रिलीफ क्लेम किया है उसको आपने अंडर वैल्यू रखा है, और प्लेंटिफ को ऑन बींग रिक्वायर्ड बाई द कोर्ट, न्यायालय ने ये कहा कि भाई ठीक है आपने जो वैल्यूएशन किया है ये अंडर वैल्यू है, इसको एक टाइम फिक्स कर दिया न्यायालय ने, उस टाइम के अंदर आप इसको अपना जो वैल्यू है वो ठीक कर लो, और आप नहीं करते हैं, आप वो करने में फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्लेंट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगी वहाँ पे। फिर आपका प्लेंट कब रिजेक्ट किया जा सकता है, कि जहाँ पे जो रिलीफ क्लेम किया वो प्रॉपरली वैल्यूड तो है, बट जो पेपर लगे हैं वो इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड हैं, जो स्टैम्प वैल्यू है वो स्टैम्प आप पेपर आपने सही नहीं लगाए हैं, न्यायालय फिर भी आपको कहता है कि आप इस पे स्टैम्प पूरे कीजिए, और न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में जो टाइम न्यायालय ने यहाँ दिया था वही न्यायालय यहाँ भी देता है, आप वो स्टाम्प पूरा नहीं कर पाते हैं, सफिशियंटली स्टैम्प नहीं करते हैं, तो भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। अभी डी में आप समझिए कि वेयर द सूट अपियर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन अ प्लेंट टू बी बार्ड बाई एनी लॉ, यानी कि जो मुकदमा आप लेकर आए हैं वो किसी लॉ से बाहर है, कानून की नज़र में वो बाहर है, आप नहीं ला सकते ऐसा मुकदमा। जो आपकी स्टेटमेंट आती है, जो आपने स्टेटमेंट दी है प्लेंट में, वो बाहर है लॉ से, ऐसे टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, ये कहाँ पढ़ा था आपने डुप्लीकेट, आपको याद है, इन चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए, हमने ऑर्डर 4 में पढ़ा था, आदेश 4 में ये चीज़ लिखी हुई है
कि वहाँ पे आदेश चार का जब रूल वन पढ़ेंगे आप, तो ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि इट शुड बी इन डुप्लीकेट। और लास्ट रीजन आपका क्या है यहाँ पे, कि जब प्लेंटिफ फेल हो जाता है विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। रूल 9 क्या है? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग द प्लेंट। जब आपने रूल 9 पढ़ा होगा, रूल 9 में क्या दिया था कि जब आपका प्लेंट एडमिट हो जाता है उसके कितने टाइम में, विद इन 7 डेज आपको जितने आपके डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपी प्लेंट की जमा करानी है, ताकि उन सब डिफेंडेंट के खिलाफ समन इशू किया जा सके, उनको उनको एक सूचना भेजी जा सके कि भी न्यायालय में आपकी उपस्थिति चाहिए, आपके खिलाफ मुकदमा आया है। ये हमने ऑर्डर 5 में पढ़ा था, डिफेंडेंट टू समन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। यहाँ देखिए क्या कह रहा है ये, कि कोर्ट ने जो करेक्शन का आपको टाइम दिया वैल्यूएशन करेक्ट करने के लिए, कहाँ पे दिया था आपको? अंडर वैल्यू के में आपको ने उसको प्रॉपरली स्टाम्प नहीं किया था, स्टाम्प पेपर के लिए बोला गया आपको, यहाँ पे बोला गया ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, सेल नॉट बी, सेल वर्ड यूज है यहाँ पे, अनलेस, कब तक दी कोर्ट, जब तक नहीं हो सकता जब तक न्यायालय को रीजन टू बी रिकॉर्ड, ऐसा कारण उसको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रीजन इज सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ वाज प्रिवेंटेड बाय एनी कॉज एन एक्सेप्शनल नेचर फ्रॉम करेक्टिंग द वैल्यूएशन और सप्लाइंग द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर एज द केस मे बी विद इन द टाइम बींग सो फिक्स बाय द कोर्ट। यानी कि ये देखिए कुछ नहीं है प्रोवाइजो, एक सिंपल सी देसी चीज़ समझिए, प्रोवाइजो में इसने कहा है कि जो टाइम आपको दिया गया था अंडर वैल्यू को वैल्यूएट करने के लिए और पूरे स्टाम्प पेपर लगाने के लिए, उस टाइम पीरियड को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक, कब तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? जब तक कोर्ट एक रीज़न रिकॉर्ड ना करे, सेटिस्फैक्ट्री रीज़न, जहाँ न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि हाँ भाई उसके पास एक उचित कारण था, उसे अंडर वैल्यू से वैल्यू ना कर पाना, टाइम पे पूरे स्टाम्प पेपर ना लगा पाना, एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता, जेन्युइन रीज़न था, उस रीज़न को रिकॉर्ड करके वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं करना है। एंड दैट रिफ्यूजल टू एक्सटेंड सच टाइम वुड कॉज ग्रेव इनजस्टिस टू द प्लेंटिव। और अगर, यहाँ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो डिनाइल जो है आपका जो है ग्रेव इनजस्टिस हो जाए प्लेंटिव के साथ, कि अगर भाई हमने इसको टाइम नहीं बढ़ाया तो इसके साथ ये बहुत ही अन्याय हो जाएगा, अगर न्यायालय को ऐसा लगता तो ही टाइम लिमिट बढ़ाना है, अदरवाइज नहीं बढ़ाना है। आई थिंक आपको रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी प्रोसीजर क्या होगा रिजेक्शन का? प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग द प्लेंट, प्लेंट के रिजेक्शन होने पे क्या होगा? वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीजन फॉर सच ऑर्डर। जब प्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है तो जज साहब क्या करेंगे, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे विद द रीजन फॉर सच ऑर्डर, कि भी क्यों किया हमने, एक ऐसा रीजन रिकॉर्ड करेगा और प्लेंट को रिजेक्ट करने का आदेश दे देगा। नियम 13, रूल 13, वेयर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। यानी कि जहाँ पे आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपको फ्रेश नया प्लेंट लाने से प्रिक्लूड नहीं करता है, प्रिक्लूड का मतलब होता है आपको, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स हेयर इन मेंशन शैल नॉट बी इट्स ऑन फोर्स प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग ए फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। रूल 13 आपका कह रहा है कि जहाँ पे प्लेंट को ऊपर दिए गए ग्राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो हमने रूल 11 में पढ़े ना अभी ग्राउंड्स उनके ऊपर, तो ये प्लेंटिफ को प्रिक्लूड नहीं करते हैं फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ तक आपने पढ़ा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, हमारा रिटर्न ऑफ प्लेंट हो गया, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया। अभी हम प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, रूल 14 से रूल 17 तक।
तो हमारा रूल 14 यहाँ पे क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से देखिए, इट्स वेरी सिंपल कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपको फेथ है, जिन पे आप रिलाई करते हैं, जिन्हें आप अपने सपोर्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो उनकी कॉपी भी आपको प्लेंट के साथ ही लगानी है। वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बेर एक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ कि रूल 14 में यही बात की गई है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने क्लेम के लिए, जिन पे रिलाई करते हैं, अपने लिए एविडेंस के तौर पर जिन्हें आप देना चाहते हैं, उन सब की कॉपी आपको साथ में लगानी है। यहाँ पे दो ही एक्सेप्शन दी गई हैं जो रूल 14 के एक्सेप्शन हैं। वो क्या क्या है यहाँ पे कि जो भी डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे प्लेंटिफ के विटनेस को चाहिएंगे वो नहीं देने हैं, या जो विटनेस को मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वो नहीं देना है। अभी हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो रिलाई करता है, इन हिज पोजेशन, जो उसके पोजेशन में है, इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, ही सेल इंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट एंड सेल प्रोड्यूस इट इन अ कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड। जिन डॉक्यूमेंट्स पे उसको रिलाई है, उन सब की एक लिस्ट बनानी है और प्लेंट के साथ न्यायालय में देनी है। एंड सेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड द कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल विद द प्लेंट, और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट और उनकी कॉपी ये वहाँ पे देनी है। वेयर सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन, अब जरूरी नहीं कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हों, तो ही सेल वेयर और पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज, तो ये प्लेंट में वो बताएगा कि वो डॉक्यूमेंट किसके पोजेशन में, किसके पास है। अ डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट बाई द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड और टू बी इंटर्ड इन द लिस्ट एडेड और एनेक्स्ड टू द प्लेंट बट इज नॉट प्रोड्यूस्ड और इंटर्ड अकॉर्डिंगली सेल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे वो न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन उसने उसको लिस्ट में नहीं डाला है, जो लिस्ट उसने यहाँ पे बनाई थी सब रूल 1 में उसमें नहीं डाला है, तो जब तक न्यायालय उसको आदेश परमिशन नहीं देगा, जब तक वो उसको नहीं दे सकता है। बी रिसीव्ड इन द एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट, यानी कि उसके तरफ से उसको सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे न्यायालय तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो विद द लीव ऑफ द कोर्ट पेश किया जाए। या तो आप लिस्ट में दे देते, आपने लिस्ट में नहीं दिया तो यू हैव टू टेक लीव ऑफ द कोर्ट, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी तभी आप उसको पेश कर पाओगे। सब रूल 4 कुछ नहीं कहता है, यहाँ पे जो मैंने एक्सेप्शन की बात की थी वही है कि ये रूल उन सब पर अप्लाई नहीं होता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ्स विटनेस, जो प्लेंटिफ के विटनेस के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे चाहिए, एंड हैंडेड ओवर टू द रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ विटनेस, या एट द टाइम ऑफ द एविडेंस, एट द टाइम ऑफ द ट्रायल, वहाँ पे उसे अपने विटनेस को मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए देने। तो ये दो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी उसको सारे एक लिस्ट बनानी है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है साथ में, डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो पोजेशन में नहीं है उनका ब्यौरा देना है प्लेंट में कि वो कहाँ पे है। ये आपका रूल 14 था। रूल 16, आप कहेंगे 14 के बाद 15 कहाँ चला गया, तो रूल 15 को 1999 की अमेंडमेंट्स में हटा दिया गया था। 1 जुलाई 2002 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी और उसमें रूल 15 को रिपील कर दिया गया था। तो रूल 16 पे आते हैं। सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसे मुकदमे जो खोए हुए लेखा जोखा पर आते हैं, मतलब जो लेन देन का आपका जो चीज़ें हैं वो अगर खो जाती हैं उनके ऊपर आता है। वेयर द सूट इज फाउंडेड अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज प्रूव्ड दैट इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, मान लीजिए कुछ परक्राम्य लिखित था, कोई बही खाता था, कोई लेन देन की बात थी, वो उसके ऊपर कोई मुकदमा आता है और ये साबित हो जाता है कि वो खो गई है, वो लिखित अभी नहीं है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट था, जो परक्राम्य लिखित जो थी आपकी, वो खो गई है। एंड एन इंडेमनिटी इज गिवन बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ एक शपथ पत्र देता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट द क्लेम ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट मे पास सच डिग्री। और वहाँ पे क्या है, प्लेंटिफ जो है आपका, ऐसी लिखित पर आधारित किसी दूसरे व्यक्ति ने
जो दावे किए हैं उनके लिए अक्षतिपूर्ति न्यायालय को समाधान प्रद रूप में कर देता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोर्ट में पास सच डिग्री, कोर्ट एक ऐसी डिग्री पास कर सकेगा जैसे कि इट वुड हैव बीन पास, जैसे कि ये पास करता, कब करता, अगर वो प्लेंटिफ ने इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किया होता, वो लिखित पेश की होती कोर्ट में, जब उसने प्लेंट प्रेजेंट किया था, प्लेंट के साथ में, अगर प्लेंट के साथ में उसने वो लिखित अपनी प्रस्तुत की होती, तब वो जैसी डिग्री देता वैसी ही डिग्री देगा। एंड हैड एट द सेम टाइम डिलीवर्ड अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट, तो वो कोर्ट ऐसा मानेगा वहाँ पे, जब वो प्लेंटिफ ऐसा कर देता है तो वहाँ पे कोर्ट यही मानेगा कि मानो उसने प्लेंट के साथ ही उसको लिखित को दे दिया हो, और तब वो जैसा निर्णय देता वैसा ही निर्णय देगा। लास्ट रूल है हमारा रूल 17, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। एक एक्ट था बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। ये क्या कहता है कि सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। इस एक्ट में क्या था कि जहाँ डॉक्यूमेंट ऑन विच द प्लेंटिफ सूज इज एन एंट्री इन अ शॉप बुक, देखिए मुकदमा जिस चीज़ पर हुआ है, प्लेंटिफ ने जिस पे सू किया है, वो एक एंट्री है किसी शॉप बुक या किसी दूसरे अकाउंट में। इन द पोजेशन और पावर द प्लेंटिफ शैल प्रोड्यूस द बुक और अकाउंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लेंट। अब मान लीजिए किसी शॉप बुक या अकाउंट की एंट्री है जिसकी ऊपर ये मुकदमा आया है और वो प्लेंटिफ के पास है, तो प्लेंटिफ उसे पेश करेगा कब, जब विद दी कॉपी ऑफ एंट्री ऑन विच ही रिलाइज, भी पूरी शॉप बुक तो देगा वहाँ पे, लेकिन साथ में वो जिस एंट्री के लिए मुकदमा कर रहा है पर्टिकुलर उस एंट्री की शॉप बुक में से जीरोक्स कराएगा और कॉपी साथ में देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ओरिजिनल एंट्री है टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न कोर्ट, भी शॉप बुक और अकाउंट्स क्या होते हैं, भाई वो बिजनेस करने वाला कोई बंदा है तो भाई उसका शॉप बुक के बिना कैसे काम चलेगा, न्यायालय में जमा करा के छोड़ नहीं सकता। इसी के लिए हमने अपना ऑर्डर 13 पढ़ा था, प्रोडक्शन एंड रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कोर्ट क्या करेगा, या कोर्ट का कोई भी ऐसा अधिकारी जो न्यायालय ने उसको वहाँ पे अपॉइंट किया है इस काम के लिए, वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट की जो कॉपी दी थी ना उससे ओरिजिनल एंट्री को मैच कर लेगा, और कंपेयर करने के बाद कॉपी को उस पर एक सील लगाएगा और साइन करेगा कि इट इज सर्टिफाइड एंड फाउंड करेक्ट, और जो ओरिजिनल बुक है उसको रिटर्न कर देगा किसको, प्लेंटिफ को, एंड कॉज दी कॉपी टू बी फाइल, और वहाँ लिखेगा कि कॉपी फाइल कर ली गई है और उसका वेरीफाई भी हो गया है, यानी कि उसका रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि ये चीज़ आएगी, वहाँ भी रूल 17 आपसे पूछा जाएगा। तो शॉप बुक जो है वो साथ में ओरिजिनल नहीं रखी जाती, उसकी खाली कॉपी रखी जाती है। आज ये हमारा रूल 17 था। यहाँ तक हमारा पूरा प्लेंट खत्म हो जाता है। प्लेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।